अननेसेसरीली हैरेसिंग, नो एविडेंस, नथिंग, क्या नहीं किया उसका खिलाफ में, बहुत सारे किया, लेकिन तब भी ये उसको करेंगे कि वो उसको पता है द यंग जेनरेशन दे कैन नॉट टॉलरेट, दे वांट टू डिस्टर्ब द यंग जेनरेशन, वो हमारा युवा राजनीति को युवा पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करने चाहते हैं, इसी के लिए ऐसे करते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी इसको नहीं मानेंगे, वो लोग हिम्मत से लड़ेंगे, लेकिन हमारा यही विनती होगा हर राजनीतिक दल का, जैसे चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया, मैं पसंद नहीं किया, मेरे को पसंद नहीं आया इसी के लिए, अगर कोई गलती है तो आप बात करो, इंस्पेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपका हाथ में है, लेकिन विंडिकटिवली किसको साथ कुछ नहीं करना चाहिए, जो आने वाला समय इसको बुमेरंग हो सकता है। देखिए दिल्ली पुलिस कैसे परमिशन देंगे, वो तो डरते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारा एनिमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बात में उसको चलना पड़ता है। गांधी जी का उदाहरण में रेस्पेक्ट पे करने के लिए हर व्यक्ति जा सकता है उसका जन्म दिवस पर, हमको अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम प्रे करने के लिए जाएंगे, हमारा एमपी एमएलए जिला परिषद का प्रेसिडेंट, हम तो राजघाट में प्रे तो जरूर कर सकता है ना, 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, वो रास्ता का पैसा नहीं दिया, वो आवासन का पैसा नहीं दिया ग्रामीण आवास योजना में, ये सब पड़ा है, उसका बाद 1,15,000 रुपीज और भी सब मिला के हम लोग केंद्र से हमारा पड़ा है, हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी स्टेट सेंट्रल रिलेशन को, अगर फेडरलिज्म को थोड़ा भी इज्जत है तो इसको क्लियर कर देना, गरीब लोगों को साथ राजनीति करना ठीक नहीं होता है।